श्री श्री रामलीला कमेटी बटघाट के तत्वाधान में आयोजित रामलीला के दूसरे दिन प्रभु श्री राम जन्म की लीला का मंचन किया गया। अयोध्या से आए कलाकारों द्वारा रामलीला की सजीव प्रस्तुति को दर्शकों ने खूब सराहा और प्रभु श्री राम की जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। राजा दशरथ को जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराया। इसके बाद राजा दशरथ की तीनों ही रानियां एक साथ गर्भवती हो गईं। ठीक 9 महीने के बाद भगवान राम का जन्म हुआ। जैसे ही भगवान राम का जन्म हुआ वैसे ही सारी अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। सभी लोगों ने आकर राजा दशरथ को पुत्र रत्न की बधाई दी। रामलीला मैदान में उपस्थित सभी लोगों ने पुष्प वर्षा कर भगवान राम के जन्म की खुशी मनाई। इस मौके पर जय श्री राम के उद्घोष से सारा रामलीला मैदान गुंजायमान हो गया। इस मौके पर रामलीला कमेटी के महामंत्री सहित अन्य पदाधिकारी और दर्शक मौजूद रहे। Man!
और प्रभु की कृपा से।